ट्रेनों में चोर और बदमाशों को पकड़ने के साथ साथ अब यूपी की जीआरपी पुलिस आपका चोरी किया हुआ मोबाइल और गुम हुए मोबाइल की तलाश करके देगी। इसी पहल पर सायहापुर में जीआरपी पुलिस ने लोगों के चोरी हुए 19 मोबाइल बरामद किए हैं। ये सभी मोबाइल सर्विलांस की मदद से तलाशे गए हैं। सीओ जीआरपी की पहल पर अब दर्जनों खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल तलाशने का अभियान तेज कर दिया गया है। दरअसल जीआरपी पुलिस के पास अलग अलग ट्रेनों और प्लेटफॉर्म से महंगे मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद मोबाइलों को तलाशने के लिए साइबर सेल और सर्विलांस सेल को तेजी से लगाया गया। जीआरपी पुलिस के साइबर सेल ने मोबाइल फोन के ईएमआई के जरिए फोन को ट्रैक करके उनकी तलाश की। पुलिस ने पिछले एक महीने में 19 मोबाइल खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई जा रही है, जिन्हें आज लोगों को सौंप दिया गया। एसपी जीआरपी का कहना है कि मोबाइल के खोजने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं जीआरपी पुलिस के आम लोगों के लिए इस खास अभियान की लोग सराहना करते हुए नजर आए। सर मैं आई एम वेरी हैप्पी सर कि मेरा 6 जनवरी 2019 को मोबाइल खोया था, मेरे बेटे के बैग से निकाल लिया था यहाँ पर। तो सर मैं आई होप कि मैं सोच रहा था कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यही सब लोग बताते थे कि जब भी मोबाइल चोरी हो जाता तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज सर मेरे को मोबाइल मिला, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ के जो जीआरपी पुलिस विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसकी प्रयास की वजह से हमको ये मोबाइल आज मिल पाया सर। मेरा फ़ोन सर हरिद्वार स्टेशन से आते वक्त यहाँ जब उतरे हैं, उतरते वक्त रात्रि 2 बजे के आसपास उतरते वक्त किसी ने निकाल लिया हमारे पॉकेट से। आज आपका मोबाइल मिला है, इतनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, इतनी खुशी मैं कभी नहीं मिली थी। जीआरपी पुलिस के लिए क्या कहना चाहूँगा? जीआरपी पुलिस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाई और वो मतलब मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और उसको धन्यवाद देता हूँ। देखिए रेल यात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा जो वस्तु चोरी या गुम हो जाती है वो है मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये एक ऐसे छोटा आइटम है, कहीं भी सीट पर रखा या इधर उधर हटे और कोई भी इसको उठा लेता है या वैसे भी जेब से आदमी के गिर जाता है। तो मोबाइल गुम हुए या चोरी हुए जो भी हमारे यहाँ सूचना प्राप्त होती है उसको हम लोग अपनी सर्विलेंस सेल की मदद से वर्कआउट करते हैं उन केसेस को और उन मोबाइल को रिकवर करते हैं। और अभी तक हम लोग पहले अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया करते थे, मालिकों को, लेकिन ये लगा कि जनता से संपर्क का एक अच्छा तरीका है ये, तो अब एक इकट्ठा करके ये 1 जनवरी 2019 से अब तक की जो भी केसेस थे उनके 19 व्यक्तियों के मोबाइल जो इस थाने पर रिकवर किए गए हैं थाना जीआरपी शाहजहाँपुर के सराहनीय कार्य के द्वारा, उनको आज यहाँ बुला के मालिकों को वितरित किया गया है। इससे पूर्व 18 मोबाइल इसी प्रकार से जो प्राप्त हुए थे विभिन्न लोगों के, उनको भी एक समारोह में हमारे सीओ साहब द्वारा यहाँ दिया जा चुका है। भविष्य में भी ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी जिनके भी मोबाइल गुम या चोरी हुए हैं वो रिकवर किए जाएं और उनको वापस दिए जाएं।